क्या कोई भारतीय इतिहास में ब्राह्मण रेजिमेंट थी? क्या ब्राह्मण रेजिमेंट का भारतीय फौज में कोई दबदबा रहा है? अगर ब्राह्मण रेजिमेंट थी तो ब्राह्मण रेजिमेंट को क्यों बंद कर दिया गया? अनेकों सवालों के जवाब मिलेंगे आज आपको इस वीडियो में। जय श्री राम दोस्तों। अगर हम ब्राह्मण रेजिमेंट की स्थापना की बात करें तो सन 1776 में 23वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री बटालियन के नाम से ब्राह्मण रेजिमेंट की स्थापना हुई थी। दोस्तों, फर्स्ट ब्राह्मण ब्रिटिश इंडियन आर्मी की इन्फेंट्री विंग से संबंध रखती थी, जिसको अवध की राज्य से सन 1776 में कप्तान टी नेलोर ने बनाया था। ब्राह्मण रेजिमेंट की खासियत अपने आप में एक अपनी अलग पहचान रखती है। दोस्तों, ब्राह्मण रेजिमेंट अपने युद्ध कौशल के लिए जानी जाती थी। जी हाँ, ब्राह्मण रेजिमेंट की वर्दी थी वो आकर्षक होती थी और उन्हें युद्ध कौशल के लिए अनेकों तमगे मिले हुए थे जो उनकी वर्दी पर सुशोभित रहते थे। ब्राह्मण रेजिमेंट के जितने भी योद्धा थे सभी बाहुबली ब्राह्मण थे और अलग अलग जगह से इन ब्राह्मणों को लिया गया था। फर्स्ट ब्राह्मण के साथ ही ब्रिटिश राज में थर्ड ब्राह्मण भी हुआ करती थी, जो कि 1798 में गठित की गई थी और उसको 1922 में सेकंड एंग्लो अफगान वार व द्वितीय विश्व युद्ध में भाग लेने के बाद इसे बंद कर दिया गया था। दोस्तों, अंग्रेजों के समय में भारत की आर्मी में ब्राह्मणों की दो रेजिमेंट थी। एक थी फर्स्ट ब्राह्मण्स रेजिमेंट और दूसरी थी बंगाल रेजिमेंट, जो कि नाम की ही बंगाल रेजिमेंट थी क्योंकि उसमें पूर्वांचल के भूमिहार ब्राह्मणों की संख्या 90% तक थी, इसलिए बंगाल रेजिमेंट को भी ब्राह्मण रेजिमेंट के बारे में ही जाना जाता है। पहली ब्राह्मण रेजिमेंट को बंद कर दिया गया था। दोस्तों, हम आपको बता दें कि ब्राह्मण रेजिमेंट को अंग्रेजी शासनकाल 1931 में ही बंद कर दिया गया था। अनेकों कारण थे इसके, उसी कारणों को हम आगे जानेंगे। कारण नंबर एक था कि 1857 के विद्रोह में इस रेजिमेंट ने अंग्रेजों के खिलाफ हथियारबंद विद्रोह किया था। फिर 1942 में इन्होंने आजादी मांगते हुए द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेजों की तरफ से लड़ने के लिए इनकार कर दिया था। दोस्तों, इस बात के लिए साफ साफ ब्राह्मण रेजिमेंट ने मना कर दिया था कि हम दूसरे विश्व युद्ध में नहीं लड़ेंगे क्योंकि हमें आजादी चाहिए थी भारतवर्ष के लिए। ब्रिटिश ये बात समझ चुके थे कि आजादी की लड़ाई में बलिदान देने और इसका नेतृत्व करने में ब्राह्मण ही सबसे आगे है, क्योंकि 1857 में सबसे पहले मंगल पांडे का विद्रोह, फिर नाना साहेब की सेना का लखनऊ और कानपुर की रियासत पर कब्जा और रानी लक्ष्मीबाई तात्या टोपे जैसे महान ब्राह्मणों राजाओं का विद्रोह जो अंग्रेजों पर बहुत भारी पड़ा था। दोस्तों, ब्राह्मण रेजिमेंट ने अंग्रेजी साम्राज्य को बहुत नुकसान पहुंचाया। इसके लिए ब्राह्मण समाज में अंग्रेजों का विश्वास उठ गया था और अंग्रेजों को लगा कि ब्राह्मण अगर सेना में रहे तो बार बार विद्रोह करेंगे, इसलिए फर्स्ट ब्राह्मण रेजिमेंट को बंद कर दिया गया। और बंगाल रेजिमेंट में भी पूर्वांचल भूमिहार ब्राह्मणों की भर्ती पर रोक लगा दी थी। ब्रिटिश लोगों ने सेना में सिर्फ अपने वफादार रेजिमेंट को रखा था, बाकी ब्राह्मण रेजिमेंट को हटा दिया गया था। दोस्तों, दुख की बात यह नहीं है कि अंग्रेजों ने ब्राह्मण रेजिमेंट को बंद कर दिया, बल्कि दुर्भाग्य ये है कि आजादी के बाद भी भारतीय गणराज्य के प्रशासन को सही ढंग से न चलाने वाले कम समझ के नेताओं ने अंग्रेजों वाले प्रारूप को जारी रखा। ब्राह्मण रेजिमेंट ब्राह्मणों का हक है और ब्राह्मणों को उनकी पहचान से वंचित किया गया है उनकी रेजिमेंट को बंद रख के। ये एक अपमानजनक बात है कि अंग्रेजों ने अपने डर से कि भारत कभी आजाद ना हो जाए उसी कारण ब्राह्मण रेजिमेंट को बंद किया गया था, क्योंकि ब्राह्मण रेजिमेंट सबसे विश्वसनीय रेजिमेंट थी जो कि अपने देश के लिए सजग रहती थी। ब्राह्मण रेजिमेंट के योद्धा भारतवर्ष के लिए मर मिटने के लिए हमेशा तैयार रहते थे और उसी रेजिमेंट को आज भी बंद रखा गया है। और अंत में मैं सरकार से यही गुजारिश करता हूँ कि लड़ैया ब्राह्मण रेजिमेंट को जल्द ही गठित किया जाए और ब्राह्मणों को उनका सम्मान वापस दिया जाए। तब तक के लिए जय श्री राम, भारत माता की जय।